हाय दोस्त, आपका स्वागत है टीजवेल इन बिहार के एक नए लेक्चर में। आज हम देख रहे हैं ब्रेक का पार्ट नंबर एफ। क्या आज देखेंगे हम लोग ब्रेक का पार्ट नंबर एफ। मार्कर कहाँ गया जी? सॉरी सॉरी, भूल गए थे। ब्रेक का पार्ट नंबर एफ देखना हमको। क्या जो हमारा लेक्चर नंबर 11 चल रहा था, मतलब लेक्चर नंबर 11 में ही ब्रेक हम पूरा कवर कर रहे हैं आपको, तो वही ब्रेक का पार्ट एफ देखना हमको कि इसमें क्या क्या था, क्या क्या नहीं था। हम पहले रिकॉल कर लेते हैं, फटाफट एकदम रिकॉल कर लेते हैं। देखिए, पहले हम लेक्चर नंबर ए से स्टार्ट करते हैं, मतलब ब्रेक लेक्चर नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं, जो पार्ट ए है उस वहाँ से। वहाँ पे हमने आपको मतलब ब्रेक बताया था। ब्रेक क्या है? तो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, ठीक। मार्कर चेंज कर दीजिए। ब्रेक क्या है? तो ब्रेक एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, ठीक। रेक्टेंगुलर बॉक्स है, रेक्टेंगुलर बॉक्स है। इसका लेंथ क्या होता है? तो इसका लेंथ 19 होता है, ब्रेथ इसका 9 होता है, इसका जो ये था ये 9 होता है। इसको क्या कहते हैं हम लोग? स्टैंडर्ड ब्रेक करते हैं आइस कोड के अनुसार। यहाँ पे ऊपर जो रहता है, यहाँ पे फ्रॉग रहता है। फ्रॉग का जो 10 × 10 × 4 × 1 या 2 आता है। फ्रॉग क्या करता है? तो होल्ड करने का काम करता है ब्रिक लेयर को आपस में, ठीक। तो उसके बाद फिर ब्रिक का हमने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया था कि मतलब उसमें क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता। सॉरी, उससे पहले हमने कंपोजिशन देखा था, जिसमें हमने आपको सलीम SSALIM सलीम फॉर्मूला दिया था। फिर हार्मफुल कंपोजिशन देखा था। उसके बाद हमने मतलब ब्रेक का प्रिपरेशन स्टार्ट किया था कि मतलब किस प्रकार ब्रेक का प्रिपेयर करते हैं हम, किस प्रकार मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो उसमें हमने क्या था, तो प्रिपरेशन ऑफ क्ले देखा था हमने, CLAY क्ले देखा था हमने, जिसमें हमने पगमिल का यूज़ किया था। उसमें 5 से 6 प्रोसेस था, जिसमें हम लोग पहले मिट्टी को हटा रहे थे 20 सेंटीमीटर तक। उसके बाद मतलब वही अलग अलग प्रोसेस था। आखिर में आके हम लोग जो पगिंग कर रहे थे, मतलब मिट्टी को आप मिला रहे थे, उसको पग कहते हैं। किसमें? तो पग मिल में कर रहे थे। फिर उसी को टेम्प और उस पूरा प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो टेम्पर्ड करना कहते हैं। तो टेम्पर्ड के लिए जो था, उसके बाद हम लोग मोल्डिंग कर रहे थे। मोल्डिंग जो हमारा सेकेंड प्रोसेस था, वही हम लोग मतलब देख रहे थे। जिसमें मोल्डिंग में हम लोग कौन सा, तो ग्राउंड मोल्डिंग हमने देख लिया था। ग्राउंड मोल्डिंग में कौन कौन से? तो हैंड मोल्डिंग और टेबल मोल्डिंग था, जिसको हमने देख लिया था। हैंड मोल्डिंग में जनरली ग्राउंड मोल्डिंग जो होता है वो ग्राउंड ग्राउंड में किया जाता है। हैंड मोल्डिंग का पार्ट था कौन कौन सा? तो ग्राउंड मोल्डिंग और टेबल मोल्डिंग। ये मतलब इसमें लेबर आसानी से काम कर सकता है। एक दिन में कितना? 750 बीक लगभग 8 घंटा के शिफ्ट में निकाल सकता था। इसमें मतलब थोड़ा सा मेहनत ही हो जाएगी, क्योंकि लेबर एक जगह पर खड़ा रहेगा तो उसका कॉन्सनेस हटने लगता है, तो इसलिए यहाँ पे कम होता था। ये महंगा होता है, ये सस्ता होता है। इसमें मतलब इम्प्योरिटीज ज़्यादा आती हैं, इसमें इम्प्योरिटीज कम आती हैं। यहाँ पे मतलब इसके लेवर की उतना ज़्यादा जरूरत नहीं है, यहाँ पे इसके लेवर की थोड़ा सा जरूरत रहता है। तो इन दोनों में थोड़ा थोड़ा सा मतलब जो भी था हम आपको बताते जा रहे थे कि हैंड मोल्डिंग ये है ये हो। तो आज हम लोगों का क्या करना है, तो मोल्डिंग में ही आज हम अपना नेक्स्ट देखेंगे क्या, तो मशीन मोल्डिंग। मोल्डिंग को हमने दो पार्ट में बांटा था, किसमें? तो एक हैंड मोल्डिंग में, एक मशीन मोल्डिंग में। अब मोल्डिंग हम किस कर रहे थे? तो एक इस प्रकार का साचा रहता था, उससे कर रहे थे, जिसमें हम कितना 8 to 12% एक्स्ट्रा लेते हैं हम लोग, ताकि ड्राई हो जाए। तो जो जो भी मतलब गीला मिट्टी है वो सूख के अपने स्टैंडर्ड साइज में आ जाए। किसमें? 19 × 9 × 9 में। यही स्टैंडर्ड साइज में रहेगा ना, तो आपको स्टैंडर्ड साइज में रहेगा, तो नॉमिनल या ट्रेडिशनल ब्रिक में नहीं आएगा, मतलब नॉमिनल ब्रिक में आ जाएगा। ट्रेडिशनल ब्रिक में क्या हो जाता है कि मतलब जो भी आप स्टैंडर्ड साइज है ना, वो स्टैंडर्ड साइज फॉलो नहीं हो रहा है, जगह जगह के अनुसार वो चेंज होते जा रहा है। जैसे घर में आप पहले देखे होंगे कि इतना पहले इतना पतला पतला ब्रिक रहता था, और इतना जब तो थोड़ा सा नॉर्मल ब्रिक से लंबा भी रहता था। तो ये आ जाएगा किसमें? तो ट्रेडिशनल ब्रिक में आ जाएगा, ट्रेडिशनल ब्रिक में आ जाएगा, ठीक। उसके बाद ये ट्रेडिशनल ब्रिक में आ जाता है। फिर ट्रेडिशनल ब्रिक में अलग अलग वो वेरी करता है जगह के अनुसार। अगर जो इसी में हम जो हमारा स्टैंडर्ड ब्रिक है उसमें हम मोर्टार लगा दें, मतलब मोर्टार जो भी हम सीमेंट वालों का है, ऐसे करके इधर चारों तरफ पैक कर दें, ठीक। तो ये किस में आ जाएगा? मॉडुलर ब्रिक में, मॉडुलर ब्रिक में। तो यही ट्रेडिशनल मॉडुलर कन्वेंशनल आपको पढ़ना है इसके बाद का टॉपिक। पहले हम लोग खत्म कर लेते हैं किसको, तो अपना मॉडलिंग ऑफ ब्रिक, फिर ड्राइंग देखेंगे, ड्राइंग के बाद बर्निंग देख लेंगे, उसके बाद खत्म हो जाएगा ये आपका पूरा प्रोसेस जो होगा, ठीक। तो पहले हम लोग मशीन मॉडलिंग देख लेते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? मशीन मॉडलिंग। हेडिंग डालिए, देखिए मशीन मोल्डिंग में क्या होता है ना, मशीन मोल्डिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मतलब ये इकोनॉमिकल पड़ता है हैंड मोल्डिंग से। कैसे इकोनॉमिकल पड़ता है? जब हमको बहुत बहुत ज़्यादा मात्रा में, मतलब लार्ज क्वांटिटी में चाहिए, एकदम लार्ज क्वांटिटी में हमको ब्रिक चाहिए, तो ये सस्ता पड़ेगा, क्योंकि एक ही बार हम प्लांट वहाँ बनाएंगे, बिठा लेंगे, उसके बाद बनाते हुए निकल जाएंगे। मशीन मोल्डिंग को भी हमने दो पार्ट में बांटा था। कौन कौन से पार्ट में बांटा था हमने मशीन मोल्डिंग को? तो एक प्लास्टिक क्ले मशीन था, प्लास्टिक क्ले मशीन था, एक ड्राई क्ले मशीन था। यही दो पार्ट में हमने बताया था।
ये प्लास्टिक क्ले मशीन था, एक ड्राई क्ले मशीन था। प्लास्टिक क्ले मशीन में हम लोग क्या कर रहे थे, तो जो भी हमारा टेम्पर क्ले यानी पक क्ले था, जो पहले से मतलब प्रिपेयर होकर आया हुआ क्ले था, उसको हम डालते हैं। और फिर जो एक ऐसा मतलब मशीन रहता है, उसमें नीचे एक ऐसे स्टैंडर्ड साइज बना हुआ रहता है ब्रेड का, इतना दूर ये मशीन में मतलब फिल होता है मिट्टी, उसका एक थ्रेड स्ट्रक्चर रहता है। इसी मशीन में थ्रेड नुमा एक मतलब वायर जुटा हुआ रहता है, वो वायर आके यहाँ से काट देता है इसको, फिर ये जो रहता है वो आगे ट्रांसफर हो जाता है, फिर जो खाली जगह आता है फिर उसमें ये वायर पीछे चल जाता है, फिर यहाँ पे मशीन भराता है, फिर एक बार काट देता है। तो जो भी हमारा स्टैंडर्ड साइज प्राप्त हो जाता है इससे, यहाँ पे फिक्स कर रहता है कि 19x9 मतलब उतने में आप आएगा, तो उसका इसको काटना है। ड्राई क्ले मशीन में क्या है, तो इसमें हम लोग पहले जो बड़ा बड़ा पत्थर रहता है या मतलब बड़ा बड़ा मिट्टी रहता है उसको डालते हैं, वो पाउडर फॉर्म में आता है, फिर उसमें पानी मिलाते हैं। पानी में मिलाने के बाद ये आपस पहले ही इसमें पग करने की जरूरत मतलब इसमें मिलाने की जरूरत नहीं पड़ता है मिट्टी को, मिट्टी अपने आप इसमें मिल जाता है। फिर उसके बाद इसमें भी ऐसा है एक ऐसा स्ट्रक्चर रहता बना हुआ, उसी में अपना आप ये स्टोर होते हुए चल जाता है। फिर यहाँ से निकल के हम इसको ड्राइंग प्रोसेस के लिए मतलब नेक्स्ट स्टेप के लिए डालते हैं। यही था हमारा मशीन मोल्डिंग। मशीन मोल्डिंग में मतलब दो प्रकार, प्लास्टिक क्ले मशीन और ड्राई क्ले मशीन। चलिए मशीन मोल्डिंग लिखते हैं हम लोग, प्लीज अच्छा से नोट डाउन कीजिएगा, क्योंकि ये टॉपिक भी आपका मतलब 4 नंबर रखता है, और जो सम्मिलित रूप से मोल्डिंग आ गया तो आपको 4 नंबर दोनों से मिल जाएगा, मतलब 6 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि तो यहाँ से इतना दूर में आपको दिख रहा है, अभी तो जगह बहुत है हमारे पास। अब हाँ अब दिख रहा है। चलिए दिस मेथड प्रूव्स टू बी इकोनॉमिकल, लिखे दिस मेथड टू बी इकोनॉमिकल व्हेन व्हेन ब्रिक्स इन लार्ज नंबर आर टू बी मैन्युफैक्चर नंबर आर टू बी मैन्युफैक्चर्ड टू बी मैन्युफैक्चर्ड एट द सेम स्पॉट इस लाइन का देखिए मतलब क्या है कि जब ये मेथड फ्रोस कब होता है इकोनॉमिकल, जब हमको ब्रिक बनाना होता है लार्ज नंबर में और कहाँ पे एट द सेम स्पॉट, यानी कि एक ही जगह पे हमको जब लार्ज नंबर में ब्रिक बनाना होता है तब ये मतलब मेथड मतलब मशीन मोल्डिंग हमको सस्ता पड़ता है। इट इज ऑल्सो हेल्पफुल टू मोल्डिंग हार्ड क्ले। यह क्या होता है, तो इट इज ऑल्सो It is also helpful for It is also helpful for manufacturing Sorry, manufacturing नहीं, यहाँ मॉडलिंग डाल लेगा मॉडलिंग It is also helpful for मॉडलिंग HRD hard clay CLA white clay बिकॉज देखिए हार्ड क्ले को मतलब हेल्पफुल किस लिए होता है, मान के चले जैसे कि हम आपको बता रहे हैं ड्राई क्ले मशीन है, उसमें तो हम खाली मिट्टी को मतलब ऐसे ही ना डाल रहे हैं, वो अपने अपने अनुसार उसको मतलब टेम्पर्ड कर रहा है, अपने अनुसार वो उसको पग कर रहा है, अपने अनुसार वो उसको मिला रहा है, इसलिए हार्ड क्ले भी जो भी रहेगा हम उसको भी इसमें डाल के अपना हेल्पफुल बना सकते हैं। लेकिन हैंड क्ले मशीन हैंड में क्या था, हैंड मोल्डिंग में कि उसमें हार्ड को नहीं कर सकता, उसमें पहले टेम्पर्ड हमको चाहिए, जरूरी ही एकदम चाहिए, लेकिन इसमें ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसके बाद लिखिए मशीन मोल्डिंग आर टू टाइप्स, मशीन मोल्डिंग पहला लिखिए प्लास्टिक क्ले मशीन
सेकंड सेकंड वन इज ड्रैगलेन सिंह। ड्रैगले मशीन। इतना लिख लिया होंगे। चलिए अब अपना हेडिंग डालिए प्लास्टिक ले मशीन। प्लास्टिक ले मशीन में देखिए कुछ नहीं होता। प्लास्टिक ले मशीन में हम आपको जैसे भी समझा रहे थे कि वायर मतलब थिकनेस बना हुआ रहता है, कि उतना मोल्ड बना हुआ रहता है, उसमें आके जो भी पग मिल मतलब पग किए रहते हैं पहले से हम मिट्टी को मिलाए हुए रहते हैं, वो इसमें लाके रखते हैं, मशीन में डालते हैं, वो अपना नीचे गिरता रहता है। रेक्टेंगुलर एक मतलब ओपन स्पेस रहता है, और जिसके नीचे लगा हुआ रहता है हमारा फ्रेम मतलब मोल्ड लगा हुआ रहता है, उसमें ला उसमें जाके मिट्टी गिरता है, फिर प्रेस होता है एक बार। ठीक, प्रेस होने के बाद लेकिन एक वायर आता है, वायर आके उसको काट देते हैं, उसके बाद उसको प्रेस करते हैं ताकि जो भी उसका शेप और साइज है हमारा वो प्रॉपर प्राप्त हो जाए। प्लास्टिक ले मशीन में वही होता है। लिखिए प्लास्टिक ले मशीन, उसी में समझा देते हैं आपको। यहाँ पे टॉपिक लेगा प्लास्टिक, ये लिख लीजिए, हट जाते हैं, फोप से उतार लिए होंगे, और यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। प्लास्टिक ले मशीन, देखिए प्लास्टिक ले मशीन का आपको फिगर हम मतलब ये पूरा पढ़ा बता देते हैं, उसका लास्ट में आपके इसका फिगर चला देंगे। प्लास्टिक ले मशीन कैसा होता है, सच मशीन लिखिए, सच मशीन। सच मशीन, सच मशीन कंटेन ए रेक्टेंगुलर ब्लॉक, कंटेन ए सच मशीन कंटेन ए रेक्टेंगुलर ओपनिंग, ऑफ साइज इक्वल टू द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द बे, ऑफ साइज इक्वल टू द लेंथ इक्वल टू द लेंथ एंड लेंथ एंड ब्रेथ डब्ल्यू आई विड्थ, विड्थ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द ब्रिक, ऑफ द ब्रिक्स मतलब ब्रिक का जितना भी मतलब डायमेंशन रहता है ना, वो इसमें उसी के अनुसार वो बॉक्स रहता है। क्योंकि देखिए इसमें 2-12% एक्स्ट्रा लेने का नहीं कारण क्या है, नहीं कारण ये है कि देखिए हम लोग इसमें मशीन मोल्डिंग कर रहे हैं, इसमें जो भी ब्रिक मतलब डालेंगे उसका हम यहीं पे प्रेस करके इसका जो भी मतलब वर्ड्स रहता है वो ज़्यादा से ज़्यादा निकाल देंगे, जितना कॉम्पैक्ट रहेगा उतना जल्दी सूखेगा वो, तो इसमें ड्राइंग का मतलब ज़्यादा दिन हमको जरूरत भी नहीं रहता है, इसलिए हम इसको मतलब उसी के बराबर रखते हैं। इसमें ज़्यादा मतलब जितना कॉम्पैक्ट रहेगा उतना कम सिकुड़ेगा, तो इसलिए कॉम्पैक्ट कर देते हैं, कम सिकुड़ता है, ज़्यादा ड्राइंग की जरूरत भी नहीं रहता है। तो ऐसे क्या, तो सच मशीन इस प्रकार का मशीन जो होता है कंटेन करता है मतलब अपने पास रखता है क्या, रेक्टेंगुलर ओपनिंग जिसका साइज होता है इक्वल टू लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द ब्रिक, ब्रिक जितना रिक्वायर्ड मतलब साइज में हमको चाहिए उतना ही इसमें उतना ही मतलब रेक्टेंगुलर ओपनिंग रहता है। ठीक, उसके बाद क्या है, लिखें द टेम्परिंग क्ले मतलब जो भी हम पक करके क्ले ला रहे हैं यानी कि मिक्स करके ला रहे हैं वही द टेम्परिंग क्ले, TEMPERING द टेम्परिंग क्ले, द टेम्पिंग क्ले इज प्लेस्ड इज इन द मशीन एंड इट कम एंड इट कम्स एंड इट कम आउट एंड इट कम आउट थ्रू द ओपनिंग एंड ओपनिंग के साथ से बाहर आता है एंड इट इज कट इनटू ए स्ट्रिप बाय फिक्स्ड वायर एंड इट इज कट CUT कट ए स्ट्रिप कट इनटू द कट
एंड इट इज कट इन टू द स्ट्रिप एंड कट इट इज कट कट इन टू द स्ट्रिप लिखिएगा, सॉरी इन टू द स्ट्रिप बाय ए फिक्स्ड फिक्स्ड वायर, WIRE वायर मतलब एक फिक्स वायर रहता है जिसके द्वारा स्ट्रिप मतलब जो अपना साइज पहुंच जाता है, बॉक्स में मोल्ड बना रहे थे अपनी उतना ओपनिंग तक पहुंच जाता है तो उसको काट दिया जाता है वायर की सहायता से। फिर क्या है फिक्स्ड वायर विच इज अरेंज्ड फिक्स्ड वायर विच इज अरेंज्ड विच इज अरेंज्ड इन सच ए वे इन सच ए वे अरेंज्ड इन सच ए वे इन सच ए वे मतलब इस प्रकार उसको अरेंज किया जाता है कि डेट थिकनेस डेट थिकनेस ऑफ द ब्रिक thickness of the bricks is equal to the required equal to the required equal to the required thickness of brick required मतलब देखिए इसमें ये कहना चाह रहा है ना कि मतलब जैसे कि हमारा जो टैम्परिंग क्ले रहता है यानी कि जो भी हम पार्ट करके लेके आते हैं क्ले को वो टैम्परिंग क्ले इस प्लेस विद मशीन मशीन के अंदर डालते हैं इन टू एंड इट कम उसका लीक कहाँ से आता है कम आउट थ्रूली द ओपनिंग स्पेस जो रेक्टेंगुलर ओपनिंग रहता है ना उसके उसकी सहायता से बाहर आता है एंड इट इज कट इन टू द स्ट्रिप मतलब एक लेवल के बाद ये कट जाता है बाय ये फिक्स्ड वायर मतलब एक फिक्स्ड वायर रहता है उसके सहायता से बीच इज इज बीच इज अरेंज उसको इस प्रकार अरेंज किया जाता है कि इन सच ए वे डैट थिकनेस जो भी हमारा थिकनेस रहता है ब्रिक का थिकनेस ऑफ ब्रिक इज इक्वल टू द रिक्वायर्ड थिकनेस ऑफ द ब्रिक ताकि जो भी हम ब्रिक बना रहे हैं मतलब ऐसे मोल्डिंग कर रहे हैं ना हम सॉरी ऐसे मोल्डिंग कर रहे हैं ना जो भी यहाँ पे ओपनिंग जो है हमारा यहाँ पे जब यहाँ तक जब जैसे मिट्टी भर जाएगा ना इससे थोड़ा सा ऊपर आएगा तो उसका आगे बाहर इसको काट देगा मतलब वही कह रहा है कि जो इसका थिकनेस होगा ना जो भी हम अभी भरे हैं मोल्डिंग में ब्रिक मतलब ब्रिक बनाने के लिए जो भी क्ले भरे हैं उसका थिकनेस उतना हो जाए जितना हमको रिक्वायर्ड है तो अपने आप वो बाहर रहता है वो आके इसको काट देता है प्रॉपरली ये वायर से कटता है इसलिए इसको किस नाम से जाना जाता है तो वायर कट ब्रिक के नाम से भी जाना जाता है। लिखिए लिख लीजिए वो पॉइंट लिख लीजिए इसके बाद का यहां लिख देते हैं हेंस हेंस इट इज ऑल्सो कैन ओ डब्ल्यू known as cut wire cut brick sorry it is also known as WIRE wire cut 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 brick BRICK bricks and it is also known as wire cut brick इसलिए इसको वायर कट ब्रिक्स के नाम से जाना जाता है इसको किस नाम से जाना जाता है तो वायर कट के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आप इसको उतारिए देखिए इतना ही था इसमें प्लास्टिक क्ले मशीन में इतना ही था ठीक। आप देखिए इसका फिगर भी आपके स्क्रीन पे चल रहा होगा प्लास्टिक क्ले मशीन कैसा रहता है कितना दूर उसमें मतलब कौन कौन सा रहता है क्या क्या कंपार्टमेंट रहता है वो सब कुछ देखिए आपको समझ में आ रहा होगा कि एक मतलब ऐसा पुली सा बना हुआ है उसमें देखिए एक ओपनिंग होगा ओपनिंग से आ रहा होगा बाहर वहाँ पे एक थ्रेड नुमा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा शायद फिगर में दिख रहा होगा फिर वो आता है आपको काट के चला जाता है इसमें इसमें ज़्यादा कुछ समझने का था इसमें क्या रहता है कि ओपनिंग रहता है मतलब रेक्टेंगुलर का जिसका लेंथ और ब्रेथ ब्रिक के लेंथ और ब्रिक के बराबर होता है उसमें जो टेम्पर क्ले डालते हैं वो मशीन में जो ओपनिंग रहता है उसकी सहायता से बाहर आता है फिर उसका जो स्ट्रिप बायर जो फिक्स रहता है फिक्स रहता है उसकी सहायता से वो कट जाता है कितना पे कटता है तो जितना थिकनेस हमको ब्रेक का रिक्वायर्ड रहता है उतना ही थिकनेस होते ही वो उसको काट के रख देता है जिससे हमको ब्रेक प्राप्त हो जाता है। इसका फिगर आप देख लिए चलिए हम इसके बाद का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो क्या तो ड्रैग क्ले मशीन देखते हैं हम उसको उतार लिया उतना नहीं उतारे तो आप पीछे जाइए उसको पॉज कीजिए पॉज करके उतार लीजिएगा। यहाँ पे हम लोग अब देखेंगे तो ड्राई क्ले मशीन में भी लगभग यही प्रोसेस रहता है लेकिन उसमें जो भी हम मिट्टी हम जो अब टैंपरिंग करके लेके आ रहे हैं
वो टैंपरिंग किया हुआ मिट्टी नहीं रहेगा, नहीं पग मिट्टी को इसमें प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं रहती, मिट्टी अपने आप ही इसमें प्रिपेयर होता है। मिट्टी इसमें पहले से प्रिपेयर मिट्टी हमको नहीं चाहिए होता, प्रिपेयर मिट्टी यानी कि पग मिट्टी हमको पहले से नहीं चाहिए होता। इसमें हम पाउडर जो रहता है मिट्टी का वो डालते हैं प्लस में, मतलब जो मिट्टी डालते हैं वो खुद ही पाउडर कर लेता है, पाउडर डाल फिर उसका इसमें वाटर ऐड कर देते हैं, वाटर ऐड करते तो आपस में ये मतलब कि अंदर ही अंदर पग हो जाता है, आपस में अंदर मिल जाता है, मिलने के बाद वही ओपनिंग इसमें भी छूटा हो जाता है रेक्टेंगुलर, उसके साथ बाहर आता है, फिर इसमें जो जितना रिक्वायर्ड थिकनेस चाहिए होता है तो उतना प्रेस करके इसको हटा लेते हैं। ये मतलब सबसे सफिशियंट रहता है, ये सबसे ज़्यादा यूजेबल ब्रेक रहता है, इसमें मतलब कि हमको ज़्यादा ड्राइंग करने का जरूरत भी नहीं रहता है इसमें, क्योंकि प्रेस हम देखिए मिट्टी मिट्टी और उसको पानी को एक ही में मिला रहे हैं, तो इसमें अमाउंट फिक्स रहेगा कि कितना वाटर चाहिए नहीं चाहिए, ये अपने प्रेस कर लेगा, इसमें जो भी मॉइस्चर रहेगा वो कम से कम रखेगा, यहाँ कॉम्पैक्टेड मिलेगा हमको। लिखिए स्ट्रॉन्ग, लिखिए सेकेंड क्या दो, यही लिख दे ड्राई क्लिब्रिक मशीन, हाँ लिखिए सेकेंड में मार्कर। ड्राई क्ले मशीन लिख लीजिएगा, ठीक, ड्राई क्ले मशीन मॉडलिंग। चलिए इसमें पहला पॉइंट देखते हैं, स्ट्रॉन्ग क्ले इज कन्वर्टेड इनटू पाउडर फॉर्म, जो भी स्ट्रॉन्ग क्ले रहेगा ना उसको हम पहले कन्वर्टेड करेंगे पाउडर फॉर्म में इसकी सहायता से। स्ट्रॉन्ग क्ले इज कन्वर्टेड स्ट्रॉन्ग क्ले इज कन्वर्टेड इंटू पाउडर फॉर्म इसमें क्या है, तो पहले स्ट्रॉन्ग क्ले रहता है उसको हम पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, देन द पाउडर एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर पुट इंटू मशीन एंड मिक्स। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, देन द पाउडर क्ले एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर पुट इन टू मशीन इन द मशीन एंड मिक्स, पुट इन द मशीन यहाँ पे देखिए हमको टेम्परेट करने का जो झंझट है, पहला प्रोसेस हमारा जो है प्रिपरेशन ऑफ क्ले, वो भी जरूरत इसमें नहीं पड़ा, इसी में हो जाता है, मतलब मोल्डिंग करने जाइए उसी समय मिट्टी को लेकर जाइए, पाउडर करके डालिए मशीन में, इसी में उसमें प्रिपेयर होकर अपने आप ही ब्रिक बन के आ गया आपके पास बाहर आएगा। द प्रिपेयर्ड क्ले मोल्ड एंड पेस्ट, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, द प्रिपेयर्ड क्ले एंड प्रिपेयर्ड क्ले मोल्ड, मोल्ड मतलब जो भी सांचे में हम मतलब जो भी सांचे चाहिए था, मतलब जो भी हमारा मोल्ड रहता है उसमें हम ढाल चुके हैं, तो ढालने की प्रोसेस को भी मोल्ड कहते हैं। मोल्ड एंड प्रेस्ड मतलब उसमें डाल दिए, मोल्ड में हम डाल दिए एंड प्रेस्ड, प्रेस्ड यानी कि ऊपर से दबाते हैं, मोल्ड एंड प्रेस्ड प्रेस्ड द ब्रिक ब्रिक्स टू फॉर्म हार्ड, ताकि जो भी ब्रिक हमारा वो हार्ड बन जाए पहले से, इसमें ज़्यादा ड्राइंग का जरूरत ना रहे। फॉर्म एंड वेल शेप्ड ब्रिक एंड ब्रिक जो हमारा वो वेल से प्राप्त हो सके। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, दिस ब्रिक आर ऑल्सो नोन एज प्रेस्ड ब्रिक, देखिए उसमें वायर से कट करते थे इसलिए वायर कट ब्रिक कह रहे हैं, इसमें देखिए प्रेस किया जा रहा है मतलब दबाया जा रहा है ना, प्रेस करके हटाया जा रहा है, जैसे कि देखिए यहाँ पे मतलब हम मिट्टी को तैयार किए उसके बाद ये मोल्ड है ना हमारा, मोल्ड में ये भरना स्टार्ट हुआ, ठीक है यहाँ तक भर जाता है कुछ कुछ इस प्रकार, तो ऊपर से एक मतलब जो लोड रहता है वो आके इसको प्रेस करता है, प्रेस करने के बाद ये अपने साइज ऑफ शेप में आ जाता है,
तो वही प्रेस होने के कारण ही अपने साइज और शेप में आ रहा है, इसमें वर्ड्स का कमी हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, ये ड्यूरेबल हो जाएगा ज़्यादा, इसमें मतलब ड्राइंग का प्रोसेस उतना ज़्यादा करने की जरूरत नहीं रहेगा, क्योंकि पानी जो रहेगा वो पहले एब्जॉर्ब हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो वही इसलिए मतलब हार्ड हो जाता है। और देखिए प्रेस करके हम इसको हार्ड कर रहे हैं, इसलिए इसको प्रेस्ड ब्रिक भी कहते हैं। लिखिए दिस इज ऑल दिस इज दिस ब्रिक्स दिस ब्रिक्स आर दिस ब्रिक्स आर ऑल्सो नोन एज ऑल्सो कैन ओ डब्ल्यू एंड नोन एज प्रेस्ड ब्रिक्स। इस ब्रिक को हम प्रेस्ड ब्रिक के नाम से भी जानते हैं, ठीक। ड्राइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर दिस ब्रिक। नेक्स्ट पॉइंट लिखे ड्राइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर दिस ब्रिक ड्राइंग इस प्रकार के ब्रिक को ड्राइंग की जरूरत नहीं रहती, मतलब सूखने के हम इसको नहीं भी देंगे, डायरेक्ट जाके बर्न भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। एंड डायरेक्टली एंड डायरेक्टली पुट टू द बर्निंग, पुट मतलब रखना होता है, पुट टू द बर्निंग, बर्निंग प्रोसेस के लिए हम डायरेक्टली इसको जाके रख सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। दिस ब्रिक आर बिहेवियर देन ऑर्डिनरी हार्ड मोल्ड ब्रिक। दिस ब्रिक्स आर बिहेवियर दिस ब्रिक आर बिहेवियर देन देन ऑर्डनरी, जो हम नॉर्मल ब्रिक बनाते हैं मतलब हैंड मोल्डिंग से, वही ऑर्डनरी हैंड मोल्डिंग ब्रिक। दिस ब्रिक आर बिहेवियर देन ऑर्डनरी हैंड मोल्डिंग ब्रिक्स, मतलब उसी प्रकार ये दिखता है कि हैंड मोल्डिंग किया हुआ है, ये नहीं कि अलग दिखने लग जाता है, ठीक। दिस ब्रिक्स आर बिहेवियर देन ऑर्डनरी हैंड मोल्डिंग ब्रिक हैंड मोल्डेड ब्रिक। ब्रिक्स इसका जो भी फंक्शन वंक्शन रहता है ना, जैसे कि हैंड मोल्डिंग में हम लोग क्या देख रहे थे कि हैंड मोल्डिंग में देख रहे थे जो भी ब्रिक है वो हैंड मोल्डिंग क्या हुआ उसका मतलब सेफ हल्का सा टेढ़ा रहता है ये भी, तो वो सब नहीं रहता, लेकिन इसका जो लुक रहता है जो अपेयरेंस रहता है 19:9:9 वो सब कुछ हैंड मोल्डिंग की तरह रहता है, इसका मतलब दिखने का तरीका सब कुछ ये हैंड मोल्डिंग ब्रिक की तरह ही दिखता है। बट इसमें ड्राइंग प्रोसेस हम लोग इंक्लूड नहीं करते, उसमें ड्राइंग प्रोसेस इंक्लूड करते हैं। लास्ट पॉइंट लिखिए द कैरी the carry this distinct from distinct मतलब एक जैसा दिखने वाला and exhibit uniform texture मतलब एक जैसा इसका फ्रॉक फ्रॉक जो होता है ना जो एक जैसा डिस्टिंक्ट मतलब होता है बंधा हुआ रहना, एक जैसा बंधा हुआ दिखता है वो कि हाँ इस प्रकार जो फ्रॉक है उसी प्रकार दिखता है, ठीक। फ्रॉक एंड एग्जिबिट एग्जिबिट यूनिफॉर्म टेक्सचर, यानी कि हम उसको तोड़ के देखते हैं तो एक जैसा ही समान रूप से वो दिखता है वो टेक्सचर में, एग्जिबिट का मतलब कि रहना होता है, ठीक, वह इस एक समान में ही रहता है। चलिए अब इसको मतलब एक बार ऐसे समझ लेते हैं क्या क्या कह रहा है। स्ट्रॉन्ग क्ले इज कन्वर्टेड इनटू पाउडर फॉर्म, पहले जो भी स्ट्रॉन्ग क्ले रहेगा उसको हम पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उस पाउडर क्ले को हम स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर के साथ हम मशीन में डाल देंगे, ठीक, उसके बाद मिक्स कर लेंगे, फिर जो भी प्रिपेयर्ड क्ले रहेगा मॉल्ड उसको मॉल्ड में डाल के हम उसको प्रेस कर देंगे, मॉल्ड में यहाँ मॉल्ड में डालकर उसको प्रेस कर देंगे, ठीक, प्रेस कर देंगे, फिर देन द ब्रिक फॉर्म हार्ड ब्रिक, उसका जो भी ब्रिक बनेगा वो हार्ड बनेगा एंड बेल शेप ब्रिक बनेगा, जो भी मतलब साइज हमको चाहिए अच्छा से शेप उसका वो रहेगा, ठीक, उसका जो मतलब इज रहेगा किनारा रहेगा वो बहुत अच्छा से शार्प रहेगा। फिर दिस ब्रिक आर ऑल्सो नोन एज प्रेस ब्रिक, क्योंकि इसको प्रेस करके बना रहे हैं इसलिए इसको प्रेस ब्रिक के नाम से भी जाना जाता है। ड्राइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर दिस ब्रिक एंड डायरेक्टली पुट टू द
बर नहीं, इसमें ड्राइंग की जरूरत नहीं रहता क्योंकि इसमें हम प्रेस करके बना रहे हैं ना, तो पहले जो हमारा वर्ड्स रहेगा वो हट जाएगा, जितना वाटर रहेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगा, जितना हार्ड हो जाएगा डेंस हो जाएगा, मतलब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा डेंसिटी आ जाएगा, तो वही वॉल्यूम डेंसिटी आ जाएगा। इसके कारण हम इसको मतलब बर्निंग के लिए डायरेक्ट ले जा सकते हैं, इसको सुखाने की जरूरत नहीं पड़ती, सूख पहले जाता है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। फिर दिस ब्रिक्स आर बिहेवियर देन, मतलब इसका जो भी बिहेवियर रहता है, जो भी मतलब ये दिखता है ऑर्डनरी ब्रिक, जो भी हम हैंड मॉडलिंग कर रहे थे उसके उससे जो ब्रिक प्राप्त होता है उसी तरह इसका सब कुछ रहता है। दे कैरी डिंगस्टिन फ्रॉग, मतलब जो फ्रॉग हमारा जो रहता है ब्रिक के ऊपर, ब्रिक के ऊपर जो हमारा फ्रॉग रहेगा वो अच्छा से इसमें दिखेगा एंड एक्सिबिट। और ये इसके बाद हम यहाँ से इसको अगर जो तोड़ते हैं बीच से, ये यूनिफॉर्म टेक्सचर दिखेगा इसका, एक तरीका से वो दिखेगा, यानी कि कहीं कहीं पत्थर फंसा हुआ है, ये वो उल्टा सीधा कहीं खोखला रहेगा, ये कुछ नहीं, इसका यूनिफॉर्म टेक्सचर दिखेगा, एक समान ये दिखेगा। यही हमारा ड्राइंग मतलब ड्राइंग क्ले मशीन की सहायता से ब्रिक जो मॉडलिंग कर रहे थे वो हो गया खत्म। यहीं पर हमारा मतलब इसका फिगर देखिए आपके स्क्रीन पर चल रहा होगा। चलिए दोस्तों हम अपना मॉडलिंग यहीं पे खत्म कर देंगे। मॉडलिंग में देखिए हम पार्ट एफ तक आ चुके हैं ब्रेक के, तो मॉडलिंग यहाँ पे हमारा खत्म हो गया। अब नेक्स्ट जो पार्ट हो जाएगा हमारा, हाँ एफ के बाद ई एफ जी जो आएगा हमारा, मतलब जी जो जी पार्ट आएगा ब्रेक का, उसमें हम लोग देख लेंगे ड्राइंग प्रोसेस। ड्राइंग प्रोसेस में मेनली बस क्या होता है कि जो हम मोल्ड करके ब्रेक को रखे हैं ना उसको थोड़े दिन के लिए सूखने के लिए देते हैं, ताकि उससे जो भी मॉइस्चर है वो उतना मात्रा में निकल जाए कि ब्रेक को हम उठाएं तो टूटे नहीं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाएं तो वो टूटे नहीं, उतना उसमें सफिशियंट स्ट्रेंथ आ जाए कि उसको रखें हम जलाने के लिए, तो एक एक उससे मतलब मॉइस्चर कंटेंट नहीं हो जाए, एक एक मॉइस्चर हट नहीं जाए, ताकि जो एक एक मॉइस्चर हटने से ब्रेक में क्रैक आने का डर रहता है। जैसे कि आप देखिए आप कंक्रीट टेक्नोलॉजी या किसी भी चीज़ आप अभी पढ़ लिए होंगे तो हम आपको बताते हैं कि आप जो शुरुआत में ही आपको बता रहे थे कि मिट्टी का दो को मतलब गोला बनाइएगा, एक को डायरेक्ट आग में डालिएगा, एक को सुखाने के बाद आग में डालिएगा, तो सुखाने के बाद जो आग में डाला रहेगा वो सफिशियंट स्ट्रेंथ रहेगा, उसमें क्रैक कम आएंगे लेकिन कम आने के चांसेस रहेंगे, लेकिन जो भी मतलब आप डायरेक्ट आग में डालें उसमें देखिए एक एक मॉइस्चर जो इवेपोरेट होता है तो उसमें देखें क्रैक उसमें ज़्यादा आने के चांसेस रहेगा, तो वही हम इसमें करते हैं, इसको सुखाते पहले, इसलिए हम इसको सुखाना जरूरी होता है, इसलिए ड्राइंग प्रोसेस हम देखेंगे। और प्लीज़ आपको ज़रा सा भी इन्फॉर्मेशन इससे मिलता है तो हम अपना सुखाने की कोशिश करेंगे, हम अपना लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। चलिए आपको जरा सा भी इन्फॉर्मेशन प्लीज़ मिला आपको इस वीडियो से, आपको मतलब मशीन मॉडलिंग का जो हमारा कंटेंट वो अच्छा लगा, समझ में आया आपको, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो इसका फायदा उठा सके, जो चल रहा है फ्री का कंटेंट आपका उसका फायदा उठा सके। थैंक यू टीवर्स टीच वाले इन बिहार, और जहाँ से दोस्तों को अपने शेयर कीजिए, आप इसको उतारिए, उतार लिए ही होंगे आप, जो फिगर हम आपको बीच बीच में दिखा रहे थे ना, जो आपको बनाना संभव होता तो उसको भी उतार लीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।